दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि हनुमान का किरदार करते हुए एक आदमी को मंच पर यह हार्ट अटैक आ गया। वीडियो आप लोग देखें। बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा व्यक्ति, उसके बाद अटैक आ गया। लोग समझ रहे हैं कि देखिए कि वो भक्ति में घूम रहा है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। एक आदमी को अचानक हार्ट अटैक आया और वहीं बेहोश हुआ, और बेहोश होते ही दम तोड़ दिया। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, अभी आपको एक वीडियो देखें। इस वीडियो में किस तरह एक व्यक्ति 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामचरित का रामलीला का चित्रण हो रहा था, और मंचन करते वक्त एक व्यक्ति जो हनुमान का किरदार निभा रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता रहा है कि उसको अटैक आया और अटैक आते वक्त उस बेहोश हो गया। और जो व्यक्ति सब लोग देख रहे थे, तो वो लोग सोचे कि अभी ये भक्ति में, लोगों को समझ नहीं आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइए दोस्तों, वीडियो कहाँ की और कैसे इस व्यक्ति को अटैक आया उस बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, तो चलिए इस वीडियो का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, जो वीडियो अभी आपको मैं दिखाया हूँ, इस सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है कि एक इस वीडियो में यानी रामलीला करते वक्त एक व्यक्ति को अटैक आया और बेहोश होते उस व्यक्ति की मौत हो गई। दोस्तों, ये वायरल वीडियो आपको बता दें, भिवानी एक ज़िला पड़ता है हरियाणा प्रदेश का, और भिवानी ज़िले का एक चौक पड़ता है जवाहर चौक। वहीं पर एक सामाजिक संस्था थी जो 22 जनवरी के दिन राम मंदिर प्रतिष्ठा के दिन रामलीला का मंचन करवा रही थी, और मंचन करते वक्त एक व्यक्ति जिनका नाम हरीश मेहता है और बताया जाता है बिजली विभाग में जेई थे, और वह हनुमान का किरदार कर रहे थे, और वो वक्त था राज तिलक की तैयारी हो रही थी, और उसी बीच हनुमान उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और मंचन करते 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 उस हरीश मेहता यानी जो हनुमान का किरदार निभा रहे थे, 25 साल से हनुमान का किरदार का मंचन कर रहे थे 25 सालों से लगातार, और उसमें एकदम रम गए थे, और ऐसे झूमते हुए जैसे आप लोग वीडियो में देखा कि लग रहा था कि वो अभी भी भक्ति में है, लेकिन असल में उनको अटैक आया था, कार्डियक अटैक, और वो धीरे धीरे बेहोश हो गए। काफ़ी लेट तक वो जो राम जो कला साथी कलाकार राम का रोल किया था उनके चौड़ों में पड़ा था वो व्यक्ति, और करते जब लोगों ने उसे उठाया तो उसे जगाया, लेकिन तब तक वो व्यक्ति बेहोश हो गया था, और हॉस्पिटल ले जाते वक्त उस व्यक्ति की मौत हो गई। तमाम लोग उसका मंचन दे के तालियां बजा रहे थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि व्यक्ति को अटैक आया है, और भक्ति भाव में विभोर आसपास के उसके साथी कलाकार और जो भी उसको देख रहे थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे कि किस तरह एक व्यक्ति जो हनुमान का किरदार कर रहा था उसको सबके सामने ही मौत अपने आगोश में ले लेती है। जब उस व्यक्ति यानी हरीश रावत को हॉस्पिटल ले जा रहा था, तभी उनके रास्ते पे ही मौत हो गई, और जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहाँ के जो डॉक्टर थे विनोद आंचल, उन्होंने चेक किया और बताया कि इस व्यक्ति की मौत हो गई है, इसलिए आप इसे ले जाइए। और जो मंचन का वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, आप लोग भी वीडियो देखे होंगे, और कैसे लगे वीडियो कमेंट पर ज़रूर बताएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। ये वायरल वीडियो के एनालिसिस आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज़, मैं नया हूँ, और ऐसे वायरल वीडियो के एनालिसिस न्यूज क्राइम
न्यूज आपको देता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।